आज मैं शेयर करूंगी ये स्वादिष्ट मछली के अंडे की रेसिपी। स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू पूनम की रसोई। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी क्लिक कर दें। ये मैंने 300 ग्राम मछली का अंडा लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैरिनेट कर लेते हैं। उसके लिए आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, बाइंडिंग के लिए एक बड़ा चम्मच बेसन, पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए एक बड़ा चम्मच चावल का आटा, एक बड़े प्याज को बारीक काट लिया है डाल देंगे, मिला लेंगे। इस तरह मैश करते हुए मिलाना है हमें। अच्छे से मिला लिया है। 15 मिनट ढक के छोड़ देंगे। गैस पे कढ़ाई रख के सेलो फ्राई करने जितना ऑयल डाल लिया है। 15 मिनट हो गए हैं, पकौड़ी तलने डाल देते हैं। मैं इस तरह हाथ से ही पकौड़ियाँ डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो चम्मच या छोटी कलछी से भी डाल सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। अभी ये सॉफ्ट है। जब इसका टेक्सचर थोड़ा हार्ड हो जाए तो इसे पलट लेंगे। पलट लेते हैं। आप देख सकते हैं एक साइड से अच्छा कलर आ गया है। जब दूसरी तरफ से भी पक जाए और गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो निकाल लेंगे। फ्राई हो गए हैं। देखिए कितना जायकेदार दिख रहा है ये। प्लेटिंग कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने ये मछली के अंडे कभी नहीं भी बनाए हैं तो एक बार इस रेसिपी से ज़रूर बनाएं, बहुत पसंद आएंगे। देखिए ये अंदर से कितना सॉफ्ट दिख रहा है और बाहर से क्रिस्पी है। थैंक यू।